In today's online classes, I will teach for junior student about finite and non-finite verb. Now, finite verb first. Finite verbs are those verbs which we use on in all these sentences. They are of three types. Number one, will, do, have. These forms are is, are, am, was, were, been, etc. And those forms are does, did. Have has also form has, had, and having. These verbs are used with main verbs and they function as a auxiliary verbs. These are the finite verbs. Now about non-finite verbs. Non-finite verbs are also called double part of speech. So they are of three types. Means the finite verb become non-finite when they function as an adjective, noun, or adverb. For example, means they are three types. First one is participle. Second one is called gerund. Third one is called infinitive. I will teach you about participles. You know, your participles are three types. तीन प्रकार की होती हैं. First one is present participle. Present participle. इसकी हिंदी होती है कर, करते, करते हुए. This participle, definition of this participle is made by adding ing in the root form of verb. For example, so सुनके बच्चा जाग गया. So your verb is सुन कर लगा सुनने लगा हुआ है. So here होती है. तो you will write this sentence here. ing लगा तो here क्या सुनके? So the noise बच्चा जाग गया. The child woke up. And your second participle is past participle. इसकी हिंदी होती है हुआ या हुए. जैसे हुआ कोई टूटा हुआ एक हो गया सिमरन मारता है, हुए पुरल मारता है, टूटे हुए का हो जाएंगे सड़ा हुआ गला हुआ. इस तरीके से दिया था एग्जांपल ऑफ पार्टिसिपल. फर्स्ट पार्टिसिपल डेफिनेशंस ए दिस पार्टिसिपल इज मेड ए मींस ए बी यूज थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब फॉर दिस पार्टिसिपल एंड द वर्क इज ओवर. जैसे मैंने सड़क पर एक टूटा हुआ पेड़ देखा तो दिस ये सेंटेंस आपका पास्ट परफेक्ट का है. अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस वी विल convert this sentence. We saw a broken tree on the road. Okay, and your third participle is perfect participle. इसके हिंदी आती है के बाद में के पश्चात के उपरांत. नाउ डेफिनेशन ऑफ दिस पार्टिसिपल. फॉर दिस पार्टिसिपल वी यूज थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आफ्टर हैविंग. जैसे खाना खाने के बाद वह सो गया तो हैविंग ईटिंग ईटिंग फूड he slept. I slept deeply. Now they are the participles. I will tell you about gerund.
जीरन, जीरन के हिंदी में ना निकलता है, इट इज अ वर्बल नाउन बिकॉज इट इज मेड फ्रॉम वर्ब्स एंड इट्स फंक्शन एज अ नाउन, ये संज्ञा का कार्य करता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल टहलना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है, सो वॉकिंग वॉकिंग इज गुड फॉर हेल्थ, दी जाता एग्जाम्पल को जीरन। नाउ अबाउट इंफाइनिटिव, इनफाइनेटिव के हिंदी में ना निकलता है, इसके हिंदी में ना निकलेगा। एंड योर इनफाइनेटिव आर ऑफ टू टाइप, फर्स्ट यू विल स्टार्ट फुल इनफाइनेटिव, फुल इनफाइनेटिव मींस विथ टू, जिसके साथ टू लगा होता है तो इनफाइनेटिव कहा जाता है। जैसे मैं कानपुर जाना चाहता हूँ, तो आप लोग इस सेंटेंस को आई वांट टू गो टू कानपुर। नाउ सेकेंड योर इनफाइनेटिव इज वेयर इनफाइनेटिव, इनफाइनेटिव इट मींस बिलोंग टू सम वर्ब्स, कुछ क्रिया होती हैं सच एज लेट मी ही लेट मी हियर सी ईटीसी, विद दैट वी डू नॉट यूज टू, उसके साथ हम कर्म नहीं करते हैं तो ये क्रिया ये आपके पार्टिसिपल वेयर पार्टिसिपल इनफाइनेटिव कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल मुझे जाने दो, तो लेट मी गो, मैंने उसे आते हुए देखा, आई सा हिम कम, यू सी टू विच इज यूज्ड एज अ पार्टिसिपल इनफाइनेटिव फॉर्म एंड with a before go to a before go to is not used, so this so this is the verb participle for at a home bar. You will write all the definitions with their examples in your copy, write the definitions of non finite with examples and learn that. That's it.